भाई अपडेट्स मिलने से वीडियो बनाने का अलग ही मज़ा होता है, बिकॉज अपडेट्स नहीं मिलने से क्या है कि इवन दो एग्ज़ाम्स वगैरह वर्क वगैरह कुछ ना भी हो तो वीडियोस बनाने का वो फील नहीं आता, वो मतलब वो मज़ा नहीं आता। मैं ऐसा नहीं हूँ कि कुछ भी मैं बना कर डालूँ बस देखे लोग, मैं इसलिए शॉर्ट्स वगैरह बना बना कर डालता हूँ। मैं ज़्यादा वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ, मैं रिव्यूज़ दे रहा हूँ क्या कौन सी मूवी कैसी है। अपडेट्स एकदम बंद कर दिया मैंने बीच में, तो एक हफ्ते पहले की बात है ये अपडेट मुझे मिला है। एक हफ्ते नहीं, ये 16 मार्च की बात है, 16 मार्च को ये भाई एक एक्सक्लूसिव अपडेट, इतना भारी भरकम अपडेट मेरे को मिला था। बट मैंने उस चीज़ को मैं थोड़ा सा ज़्यादा मैंने उसको गर्म किया नहीं, थोड़ा सा ठंडा ही रखा। ट्विटर में एक जगह पे पोस्ट डाला बस, एंड उसको ट्विटर में इसलिए मैंने पोस्ट डाल दिया, वरना बाद में ये लोग बोलेंगे इसका छापा उसका छापा उसका छापा। वो कई जगह पर नहीं है वो अपडेट, वो एग्जैक्टली वो तीन फिल्म कोई जगह पे भी नहीं है ये, तो इसलिए मैंने उसको कल रीट्वीट भी किया कि फिर से देख लो, वरना बाद में बोलोगे इसका छापा उसका छापा इसका छापा। तो जहाँ जहाँ छापा छापा करते हो छापा वाले मेरे से ही लेके जाते हैं, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। तो भाई सुनने के बाद थोड़ा सा लाइक लगेगा कि क्या बोल रहा है, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ये वगैरह वगैरह। उसके ऊपर से अलग से एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊँगा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो चीज़। तो एक तो किंग मूवी है वो, उसका मेरे को भाई मुझे उसका एग्जैक्टली पता नहीं है, मेरे को उसका कुछ ना मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके अपडेट्स में, ना वो उसके अपडेट्स के कोई मतलब मुझे लाइक लिंक मुझे मिल भी रहा है, तो मैं उसका चलो साइड कर लो। वो मूवी जब आएगी रिव्यू करेंगे नो डाउट। फिल्म अगर फुल फ्लेज्ड फिल्म है, बड़ी फिल्म है, अच्छी फिल्म है, तो नो डाउट ट्रेलर टीज़र अनाउंसमेंट जिससे भी अगर इंटरेस्ट आ गया तो 100% मैं अपडेट उसका भी निकालूंगा, ट्राई करूंगा। बट अदर देन दैट SRK इज़ बिग मूवी, जो बड़ी बड़ी फिल्म आ रही है उसमें मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ बट इनडायरेक्टली कह सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग कि नेक्स्ट फिल्म। एक तो पठान 2 तो है, वो तो चलो ठीक है वो तो है, पठान 2 के बाद चलो सॉन्ग में नहीं यार डायरेक्टली कह लेते हैं, बिकॉज आधा से ज़्यादा अपडेट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें एक अपडेट एक्स्ट्रा ऐड होगा बस अभी। तो पहली फिल्म जो आ रही है शाहरुख खान की 2026 में, जो कि मैं फिर से बोल रहा हूँ किंग को साइड करो, मुझे ऐसा लगता है वो एक्सटेंडेड कैमियो या कैमियो फिल्म है भाई, वो फुल फ्लेज्ड फिल्म नहीं है। मैं फिर भी बार बार दोबारा कह रहा हूँ सुनने के लिए, अगर कोई तैयार नहीं तो बाद में वही चीज़ रिपीट होकर फिर कहोगे कि अरे इसने छापा मार दिया, सब बकवास कहोगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ पठान जो है वो फर्स्ट फिल्म रिलीज होगी 2026 में, जो शाहरुख खान की ऑफिशियल फिल्म, एक बड़ी फिल्म, एक बड़ी स्केल की बड़ी फ्रेंचाइज की फिल्म होगी जो फर्स्ट फिल्म रिलीज होगी। सेकेंड फिल्म पठान 2 के बाद अगर कोई रिलीज़ होने वाली है, सेकेंड या मे बी थर्ड फिल्म, ये दोनों में से कोई एक फिल्म होगी। मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि भाई वही साल में उधर ही पे रिलीज़ होगी, भाई वो उनका चॉइस है कि कौन सी फिल्म पहले करे, बट लाइनअप बताना मुझे तो लाइनअप के हिसाब से चल रहा हूँ। दूसरी फिल्म है शाहरुख खान की राज एंड DK के साथ, वो कौन सी वो एक वो नाम टाइटल वगैरह ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं, बट क्लासिक एक्शन फिल्म है वो, क्लासिक एक्शन एक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म भी बोल सकते हैं, वो काइंड ऑफ फिल्म है राज एंड DK की फिल्म, जो कि RC प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज के अंडर में बनने वाली है दूसरी फिल्म है। अब तीसरी फिल्म है जो कि भाई सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा ट्विस्ट लगेगा, बट मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं अपना ओपिनियन रखूँ तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टू बी फ्रैंक मैंने पहले भी वीडियोस बनाए थे, एक बार याद करो कि मैं ऑफिशियल अपडेट के साथ जाऊँ तो राज एंड DK एंड फराह खान है, राज एंड DK एंड फराह खान है। तो एग्जैक्ट थिंग फराह खान जो कि तीसरी डायरेक्टर है, जो कि थर्ड डायरेक्टर, थर्ड फिल्म या सेकंड फिल्म पठान 2 के बाद ये मे बी सेकंड या थर्ड फिल्म हो सकती है जिसके साथ SRK की फिल्म की लिस्ट लाइनअप लगी हुई है। तो वो वक्त बताएगा कि इसका अनाउंसमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट या टीज़र अनाउंसमेंट या डेट अनाउंसमेंट कब होता है, बट ये तीन फिल्म लिस्ट में लगी हुई है 100% है, राज एंड DK 100%, पठान 2 100% एंड फराह खान की फिल्म उसके साथ लगी हुई है। ये तीन फिल्म SRK की लाइनअप के अंदर में। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई फराह खान की फलाना ढमकाना, तो उसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो आज शाम या तो कल तक ला दूंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई ये सही लाइनअप है। हर बार अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि भाई 1000 करोड़ 500 करोड़ का बजट डाल दो और पापा हाई लेवल ऑक्टेन लेवल क्लासिक एक्शन फिल्म सब देखने, भाई हर बार सेम चीज़ अगर रिपीटेड करते जाओगे ना तो वो जो चीज़ की वैल्यू है ना वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी, वो वैल्यू भी चले जाएगी। और फराह खान को मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट अगर इसमें बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक्सक्लूसिव अपडेट है ये, 16 मार्च को मेरे को ये अपडेट मिला था, मैंने ग्रुप में डाल दिया था, उसके बाद मैंने ट्विटर में पोस्ट किया था, हाँ इंस्टा में नहीं डाला, मेरे को ऐसा लगा कि भाई
मे बी ज़्यादा लोग स्टोरी वगैरह एक्टिव नहीं है देखने में, तो मैंने ट्विटर में डाल दिया, जितने लोगों को देखना है वो देखेंगे, जितने लोगों को जो करना है वो लोग वो करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। वायर ऑफ रेड चिलीज, रेड चिलीज, तो यही प्रोडक्शन हाउसेस एंड विथ दिस थ्री फिल्म। किंग का मेरे को नहीं पता, किंग रिलीज़ होगी, ये श्योर शॉट है, शाहरुख खान उसके उसमें होंगे, पठान के पहले आएगी वो फिल्म। बट मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि भाई उसमें एक्सटेंडेड कैमियो कैमियो क्या है, वो क्या क्या बेसिस में वो फिल्म है, मुझे कुछ नहीं पता उसका, उसका कोई लिंक ही नहीं है और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ फिल्म के अंडर में। जैसी वो फिल्म का कुछ चीज़ें बाहर आएगी लगेगा कि भाई मतलब ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट अपना लगने वाला है अगर कुछ ऐसी चीज़ें में, तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्चिंग प्रोसीजर ना हो, ये एक फिल्म ही हो, ये एक ऑफिशियल फिल्म ही हो, सही फिल्म हो, सॉलिड फिल्म हो, देखने के लिए भाई होश उड़ जाए देखने। तो होप्स हो कि ये भी अच्छी फिल्म हो भाई, क्योंकि करियर ग्राफिक के अंदर में वो फिल्म लगने वाली है, और जैसा भी हो तो पहले से हम अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकती वो ख़राब है, लॉन्चिंग प्रोसीजर है ये वो, पर उम्मीद करते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त फिल्म हो। ज़बरदस्त फिल्म तो ऑब्वियसली भाई उसके अपडेट्स देने में अलग ही मज़ा होगा। तो लेट्स सी, टाइमिंग टाइम की बात है, और बाकी जो तीन फिल्म है बड़ी फिल्म है, नो डाउट लाइनअप सही है, सही लाइनअप है, क्यों है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बराबर वीडियो देखते रहो, बिकॉज बीच बीच से ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो अगर मिस हो जाएंगे, क्योंकि क्या है कि चैनल में आजकल सबको लग रहा है कि भाई अभी ये रिपीटेड ये वीडियोज़ बना नहीं रहा है, दूसरे चैनल में वो लोग फेंक रहे हैं, कुछ ऐसे है कि वो मैं वीडियोस भी नहीं बना रहा हूँ और मैं रिव्यूज़ दे रहा हूँ दूसरे फिल्म्स का, तो मैं क्यों देखूँ, वीडियोस नहीं आ रहे कुछ अपडेट के, क्या ही देखूँ मैं, तो बीच बीच में ऐसे वीडियो मिस हो जाएंगे। तो बराबर खोल के एक बार देख लो, अगर नहीं अच्छा लगा तो वीडियो छोड़कर चले जाओ। तो मिलते हैं अपने के लिए सकते।